सड़क से सदन तक इस लड़ाई को ले चलेंगे जब तक यह सरकार या तो बर्खास्त हो जाए और नहीं तो अपने में सुधार। जुमला कहने वाले लोग किस प्रकार के जुमला कह के जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम, अब विशेष करके जो सबसे बड़ी आबादी छात्र युवाओं का बिहार में है, ये सरकार रोजगार के नाम पे अपने आप को सरकार को स्थापित करने वाली, नौजवानों को झूठा फरेब सपना दिखाने वाली, उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री चचा भतीजा का जोड़ी बिहार में सब प्रकार से गंडगोल कर रही है, जो सही माने में जब। नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर और हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के दो विधायक, एक संजीव चौरसिया जी और दूसरा अरुण कुमार सिन्हा जी। तो साथियों आइए हम जानते हैं इन्हीं से, इन्हीं की जुबानी। बिहार सरकार को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर घेराव किया गया है, छात्रों को लेकर के 10 लाख सरकारी योजनाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के, ये जुमला दिख रहा है। हेलो, आज अपने आप को जुमला कहने वाले लोग किस प्रकार के जुमला कह के जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम, अब विशेष करके जो सबसे बड़ी आबादी छात्र युवाओं का बिहार में है, ये सरकार रोजगार के नाम पे अपने आप को सरकार को स्थापित करने वाली, नौजवानों को झूठा फरेब सपना दिखाने वाली, उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री चचा भतीजा का जोड़ी बिहार में सब प्रकार से गंडगोल कर रही है, जो सही माने में जब एनडीए में हम लोग शामिल थे तो हम लोगों ने रोजगार के दृष्टि से और अनेक अवसरों को प्रावधान के रूप में बदलने का काम किया, पर सरकार ने उस अवसरों को जनता के बीच में जाने नहीं दिया। तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री, आज मुख्यमंत्री झूठा सपना दिखाते हैं। अब विद्यार्थी अलग मांगों को लेकर, एसएससी से लेकर सभी मांगों को लेकर जब सड़कों पर आते हैं तो लाठियां बरसाई जाती है। जिस प्रकार से बीपीएससी के पेपर लीक हुआ है, ये वास्तव में समझते हैं कि यह पानी का लीक है। पेपर का लीक से आने वाले छात्रों का भविष्य खिलवाड़ जिस प्रकार से सरकार आज कर रही है, तो सरकार पूरी तरह से छात्र के अहित, युवाओं के अहित ये सरकार है, गूंगी बहरी की सरकार है। निश्चित तौर पर इनको एक समय भी रहने का कोई हक नहीं है। सर, जो वादा किए थे कि आते के साथ पहला कलम, पहला कैबिनेट का 10 लाख रोजगार मिलेगा, यह जुमला निकल गया सर। आज तो जुमला के साथ साथ जनता भी जान रही है कि किस प्रकार से झूठ फरेब सत्ता में बने रहने के लिए ये चचा भतीजा की सरकार क्या कर सकती है, इस चीज़ को अवलोकित करने का तुरंत सब देख भी रहा है। छात्रों पर लगातार सर लाठीचार्ज हो रहा है, कभी ए स्टेट, कभी बी टेट, कभी सी टेट वाले अभ्यर्थियों को लगातार लाठीचार्ज हो रहा है। आज उनके बातों को सुनने के बजाय जिस प्रकार से अपने आप में मुख्यमंत्री जी अपने आप में एक तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, छात्र युवाओं के ऊपर लगातार छात्रों के ऊपर लाठी की बरसात कर रहे हैं, वो जेपी के आंदोलन से अगर आए रहते तो इस प्रकार का कभी नहीं करते। ताकि निश्चित तौर पर छात्रों का हित हो रहा है, छात्रों पर लाठियाँ जो बरसाई जा रही है उसकी घोर निंदा करते हैं। सर बोल रहे कि अभी भी सुशासन की सरकार है, क्या लगता है? सर देख ही रहे हैं, युवा परेशान है और उसी के प्रतीक के रूप में युवा मोर्चा पटना महानगर और इस तरह से पूरे बिहार में जिला स्तर पर धरना का कार्यक्रम चल रहा है और हजारों हजार युवा इससे जुड़ रहे हैं। और जहां युवा लाचार बेकार हो जाता है, क्योंकि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है, तो आप समझ जाएं कि ये असर हुआ। और जो सरकार जो अपने को आज कहते हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, और इन लोगों का कहना था कि हम सरकार बनते ही और लाखों की संख्या में रोजगार देंगे, आज वो जुमला साबित हुआ। और उसी तरह से भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, तो आज की जनता युवा लाचार और बेगार हो गई है, बेचारा की स्थिति में चली गई है। युवा मोर्चा पटना महानगर आज इसी के विरोध में धरना पर बैठी हुई है और इनके जो जुमला था, जो इनका झूठ था, फरेब था, उसको उजागर करने का काम कर रही है। और हम इसको सड़क से सदन तक इस लड़ाई को ले चलेंगे जब तक यह सरकार या तो बर्खास्त हो जाए और नहीं तो अपने में सुधार लावे। सर युवाओं के लिए सड़क से सदन तक लड़ेंगे सर आप लोग? ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो हमने शुरुआत किया है। युवा मोर्चा के साथ भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त खड़ी है, एनडीए एक मुश्त खड़ी है और हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार 24 में पीएम बन जाएंगे और तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे, देखिए आगे आगे होता है क्या, इस पर हम क्या कहें, लेकिन जनता इनको नकार चुकी है। ठीक है, धन्यवाद सर।
तो साथियों आपने सुना दोनों विधायकों को, बीजेपी के दोनों विधायकों को, दोनों विधायकों ने किस तरीके से आरोप लगाया सरकार पर कि ये सरकार जो है छात्रों की बात नहीं सुन रही, छात्र हितों की बात करती है लेकिन छात्रों की बात नहीं सुनती है, बोलती है ये सरकार, लगातार बोलती थी विपक्ष में जब थी कि हम आते के साथ युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ये भी एक जुमला निकला, जो लोग दूसरे को जुमलेबाज कहते वो खुद एक जुमलेबाज निकल गए। तो साथियों पसंद आया, अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद आया साथियों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।